आज हम फिर से यहाँ अपने घराट पर बैठे हुए थे और हमने देखा कि कुछ 4-5 लोग मिलकर हमारी ओर बढ़ रहे थे। जब मैंने जाना तो उन्होंने ये बताया कि ये लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स थे, बीओ थे, गार्ड थी और 2-4 और लोग थे। और उन्होंने कहा कि उनको यहाँ पर पेड़ काटने के लिए भेजा गया है, ऑर्डर दिए गए हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हाईकोर्ट में ये मुकदमा अभी भी चल रहा है, हाईकोर्ट की आलोचना यहाँ पे की जा रही है। मैं हाईकोर्ट से दरख्वास्त करती हूँ कि इन लोगों के ऊपर कुछ रोक लगाई जाए। एमएलए जी के कहने के बावजूद कि यहाँ पर जब तक हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है कोई नहीं आ सकता, उसके बावजूद भी बार बार यहाँ पे लोगों को भेजकर हमें डराया और धमकाने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। और फिर लोग आकर यहाँ पे ये कहते हैं कि पूरी फोर्स के साथ यहाँ पर काम शुरू किया जाएगा। यहाँ पर कोई काम तब तक शुरू नहीं होगा जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। मेरे साथ और भी लोग जुड़ गए, जैसे ही लोगों ने देखा कि इस तरफ कुछ लोग बढ़ रहे हैं तो जैसे ही लोगों ने देखा तो वो हम यहाँ पर आ गए हैं। उनसे भी जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है। नमस्कार, मेरा नाम सुषमा कुमारी है, मैं जबोड़ा पंचायत से हूँ। मुझे पता चला कि यहाँ गार्ड या फिर बीओ यहाँ पर आए हैं और कुछ उनके साथ लेबर है पेड़ काटने के लिए। तो हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि पेड़ों को जब करम सिंह जी ने पाला पोसा बच्चों की तरह और उन्होंने आज तक उनका पूरा ध्यान रखा, तो काटने की परमिशन किसने दे दी इनको? हम चाहते हैं पेड़ और लगाए यहाँ पर, उनकी परवरिश भी हम करेंगे और इन पेड़ों को काटने देंगे। और हमारे ऊपर ऐसा प्रेशर कोई भी नहीं होना चाहिए। जब हमारा केस हाई कोर्ट में चला है तो कोई भी डिपार्टमेंट हमें यहाँ आकर डराए धमकाए ना। और यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि हमें बचाओ। यहाँ पर जो सीवेज टैंक बनाए जा रहे हैं वो बहुत गलत बना रहे हैं। इसे वो 200-250 मीटर दूर बनाया जाए, जाकि किसी भी इन गांव वासियों को कोई नाराजगी ना हो, एक ही हो। मेरी सरकार से विनती है कि ना हमें खाने दिया जा रहा है ना सोने दिया जा रहा है। हम पूरा दिन यहाँ भूखे प्यासे बैठे रहे हैं और हमारा सरकार से यही निवेदन है कि जब तक हमारा केस हाई कोर्ट में लगा है जब तक यहाँ कोई नहीं आए। हर रोज कोई ना कोई बंदा आके हमें डराता है धमकाता है कि हम फुल फोर्स लेके आके काम शुरू करेंगे। मेरी विनती यही है कि जब तक हाई कोर्ट में फैसला नहीं होता जब तक यहाँ कोई ना आए। हम सरकार से यही बोलते हैं कि अगर सीवर टैंक के लिए इस जमीन में आकर पेड़ काटने के लिए लोग आएंगे या डिपार्टमेंट आएगा तो हम पेड़ कटने नहीं देंगे। और सीवर टैंक के लिए जमीन खाली मांगेंगे वो भी हम खाली कभी भी नहीं करेंगे। अगर सरकार पेड़ लगाने के लिए कहेगी तो ठीक है, हम उस जमीन को खाली करेंगे, पौधे लगाएंगे, उनकी देखरेख करेंगे, लेकिन सीवर टैंक के लिए कभी भी खाली नहीं करेंगे। मैं इस घराट में रहता हूँ, लगभग मेरी उम्र 64 साल हो गई है और इन पेड़ों को मैंने सन 1976 में लगाया है। और मेरे लगाने के बाद जितने बड़े बड़े पेड़ हुए हैं ये इनको काटने आ रहे हैं लोग। बच्चे की तरफ आ रहे हैं। इत्थे बार बार आई आए आंधी विनती अहां डराने मत आवा। कोई भी सरकारी आदमी मत आवा डराने। जो आया सह मौका देखो, फिर अहंदा फैसला करो, फिर इसके बाद कोई भी आओ है पहले अहंदा फैसला करो भाई इतनी बनना या नहीं बनना, अहं जो तकलीफ या नहीं। ये पौधे हमें बच्चों की तरह हैं। नमस्कार जी, यहाँ पर टैंक बिल्कुल नहीं बनना चाहिए टैंक निजी का और मिल्कियत तो इसकी मिल्कियत है, इसको कोई घेरने वास्ते और रुखा कटाने वास्ते आया दे कुआड़े डाटा लेनी नहीं उन्हें भी कोई लोड नहीं। किन्ने गरीब आदमी को तंग मत करो ना, इनको खाने दिया दे ना सोने दिया दे ना उठने ना बैठने, बहुत गलत काम है। जे सरकार लेनी हो तो सब ते लो, जितनी दुनिया च है उतनी लो, कोठियां पईयां हुईयां सब कुछ बनया होया तो उस जो जोड़ो फिर तो जोड़ो काम बनाएंगे। जैसे अभी आपने देखा कि कुछ लोग आ गए थे और मेरा सारा परिवार इन महकमे वालों से और इन लोगों से बहुत डरता है। और मेरी बड़ी मम्मी रास्ते में भागते भागते आई, उनकी भी तबीयत खराब हो गई।
मेरे फादर, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हाइपर टेंशन और हाई डायबिटिक के शिकार हैं। अगर मेरे परिवार को या मेरे गांव में से किसी को भी कुछ भी होता है इस मामले के चलते, अगर इन्हें कुछ भी आंच आती है, तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार, नगर पंचायत तिलाई, आईपीएच डिपार्टमेंट और पुलिस होगी। जो हाई कोर्ट का आदेश ना मानकर यहाँ पर बिना परमिशन से आ रहे हैं, तो वही जिम्मेदार हैं उन लोगों के, जिनको रास्ते में या खेतों में यहाँ आकर कुछ भी होता है। तो मुझे भी मेरी जान का खतरा है, मुझे भी काफी धमकियां दी जा रही हैं, जान की धमकियां दी जा रही हैं और भी काफी धमकियां दी जा रही हैं। अगर मुझे भी आज या कुछ भी होता है, तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार होगी।